नमस्कार, मैं हरदर्शंकर, न्यूज बायस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हेमंत सोरेन अपने आवास लौट आए हैं और उनसे कई लोग मिलने के लिए पहुंचे हैं। आवास पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। माता रूपी सोरेन ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया और पत्नी कल्पना सोरेन के साथ साथ वहां उनके तमाम निकट संबंधी और लोग उनका स्वागत करते नजर आए और बसंत सोरेन भी उनके बगल में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो उन्हें लेने के लिए भी गए हुए थे। और इस वक्त वहां क्या कुछ चल रहा है बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, हेमंत सोरेन वहां पहुंचे हैं, वाकई में जश्न का माहौल होगा। कौन कौन वहां पहुंचे हैं, क्या तस्वीर दिखाई दे रही है बाहर? देखिए, जैसे ही गुरुजी आवास से मुलाकात करके हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद से ही लोगों का आने का सिलसिला जो है वो प्रारंभ हो गया था। और जैसे ही कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई, राज्य के जो मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन वो भी पहुँचे हैं और कैबिनेट के जो अन्य मंत्री हैं वो भी पहुँचे। फिलहाल जो बाहर की तस्वीर है वो मैं दिखाऊंगा, किस तरह से जो यहाँ पर काफिला लगा हुआ है राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का, और अंदर तमाम मंत्री जो हैं वो मौजूद हैं और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात हो रही है। और मुलाकात के दौरान बहुत सारी बातें भी हो रही होंगी। और देखिए, लगातार जो आने का सिलसिला है लोगों का वो आप देख रहे हैं, किस तरह से तस्वीरों में जो लोग हैं वो आप देख रहे होंगे, लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और बंधु तिर्की पहुंचे हैं, उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। तो बंधु तिर्की थे जो कि जो अन्य लोग जिस तरह से मिलने आए हैं, ठीक उसी प्रकार से बंधु तिर्की भी मिलने पहुंचे हैं। साथ में मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की भी हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो अंदर मौजूद है। जिस तरह से लोगों को खबर मिली, जानकारी मिली, लोग एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और लगातार यहाँ की तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और अंदर जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी मौजूद हैं और अंदर मुलाकात चल रही है, बातें हो रही है। संभवतः जो मंत्रिमंडल की विस्तार की बातें लगातार सामने आ रही है उसको लेकर भी बातें हो रही होंगी। और जो कृषि मंत्री बादल है वो भी रामेश्वर उरांव के साथ पहुँचे हैं, तो इसको लेकर भी जो है बातें हो रही होंगी। और ये बात कहा जा रहा था कि एक से दो दिन में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, मंत्रिमंडल में फिर बदल होगा, लेकिन क्योंकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं, ऐसे में हो सकता है कि जो मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात चल रही है वो एक से दो दिन टल जाए, क्योंकि हो सकता है और मंथन भी हो अंदर में और बहुत सारी बातें जो है वो भी होंगी। क्योंकि गुरुजी निवास पहुंचे थे पहले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, उस दौरान भी बहुत सारे बातें जो है हुई थी। उसके बाद नीरज, बताया जा रहा है कि कई सारे मंत्री भी वहां पहुंचे हुए हैं, यानी एक तरह से आगे की रणनीति भी तैयार होगी। बिल्कुल, रणनीति तैयार होगी, क्योंकि मैंने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की बातें चल रही थी और ये कहा जा रहा था एक से दो दिन में मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है, लेकिन वो बदलाव होने की जो बातें निकलकर सामने आ रही थी उसको कहीं ना कहीं एक तरह से विराम लग गया है, क्योंकि पूर्व सीएम बाहर आ गए हैं। हो सकता है कि वो अपने स्तर से जो है कुछ निर्णय ले सकते हैं और जो भी फेरबदल होना है उसको लेकर वो अपने तरफ से भी दिशा निर्देश दे सकते हैं, तो उसको लेकर संभवतः बातें हो रही होंगी। और जितने भी मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्षों की बात करें, जो राजेश ठाकुर समेत जो है वो अभी तक नहीं पहुंचे, तो हो सकता है कि इसको लेकर जो बातें हैं संभवतः नहीं भी होगी, लेकिन अभी क्लियर होना बाकी है कि क्या कुछ अंदर बात हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बधाई देने भी लोग पहुंचे, शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाहर आए हैं, तो और भी जो तो इस शिष्टाचार मुलाकात के साथ जो अन्य बातें होती हैं वो भी बातें हो सकती हैं, इसको लेकर भी लोग पहुंचे हैं। और जो नवनिर्वाचित सांसद है जोबा मांझी वो भी पहुंची हुई है, और जो जमशेदपुर से सांसद के प्रत्याशी थे और बड़गोड़ा के जो विधायक है समीर मोहंती वो भी पहुंचे। तो तमाम जो लोग हैं, जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग पहुंच रहे हैं, आकर जो शुभकामनाएं हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि बड़ा अवसर है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और क्योंकि उनके कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ऐसे में 6 महीने के बाद जब वो जेल से बाहर निकले हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी रणनीति जो है वो तैयार करने की कोशिश की जाएगी। और अगर
पार्टी में किस तरह की नाराजगी होगी तो वो भी हेमंत सोरेन के सामने रखी जाएगी। देखने वाली बात होगी क्या कुछ बातें होती है और क्या कुछ। नीरज, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेमंत सोरेन के आने के बाद तमाम मंत्री और विधायक वहां पहुंच रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि हेमंत सोरेन इस बात को लेकर भी रणनीति तैयार करेंगे कि अब मंत्रिमंडल का स्वरूप कौन होगा, आलमगीर आलम की जगह किन्हें मंत्री बनाया जाएगा और जो मंत्री पद वैकेंट है उनमें किसी को स्थान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा।